निगमों में काम करने वाले कर्मचारियों को, केंद्र सरकार के तमाम कर्मचारियों को, नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के झंडे के नीचे इकट्ठा किया है और ज्वाइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम नाम की संस्था को बुलाया है। पुरानी पेंशन बहाली से अभी तक बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं और सब कार्यक्रम बहुत सफलता से हुए हैं। करीब 1,26,00,000 लोगों ने ऑनलाइन पिटीशन भेजा राष्ट्रपति जी को कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए। तमाम कलेक्ट्रेट के ऊपर प्रदर्शन होने का काम हुआ, फिर राज्यों के ऊपर प्रदर्शन हुआ, अभी 10 अगस्त को हम लोग पूरे देश के राज्य कर्मचारी, शिक्षक, केंद्र सरकार के कर्मचारी सब मिल करके दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं और संसद को प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। किन किन मुद्दों हमें आशा है कि सरकार मानने के लिए काम कर रही है। आज का जो विषय है सर, कौन सा मुद्दे पर देखिए, ये तो सही है, 2004 में पुरानी पेंशन हटा करके नया पेंशन आया था और ये लड़ाई हम लोग तभी से लड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी इसमें काफ़ी गंभीरता से लोग सोचने का काम कर रहे हैं और जहाँ भी आंदोलन हो रहा है, राज्य में हो चाहे दिल्ली में हो चाहे तालुके में हो, लोग इसको बहुत गंभीरता से लेने का काम। मैं आपको कह रहा हूँ कि सरकार ने इसको सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर एक नई पेंशन स्कीम को सुधारने के लिए कमेटी बनाने की बात की, उसकी 9 तारीख को भी मीटिंग हुई थी और कल 5 तारीख को भी मीटिंग हुई थी उनसे दिल्ली में। माननीय सिक्सटी की अध्यक्षता में कमेटी मिली है, उसमें हमारी जो है डिप्टी सिक्सटी भी है, उसमें और पी एम आर के चेयरमैन हमने उनको बहुत साफ शब्दों में बात कही है कि ये जो पुरानी पेंशन है वो हम लोग बहाल कराने की बात कर रहे हैं। अब निश्चित तौर पर जो नई पेंशन स्कीम है उसको लो पेंशन स्कीम मानते हैं और ये जो है वो चलने वाला नहीं है। तो जब तक हमको जो पुरानी पेंशन स्कीम में लाभ है वो नहीं दिए जाएंगे नए बच्चे बच्चियों को जो लोग 2004 के बाद भर्ती हुए हैं जनवरी 2004 के बाद, तब तक ही हमारा आंदोलन रुके रहे। और जब हम संसद में 10 तारीख को प्रदर्शन करने जा रहे हैं, मुझे पूरी आशा है कि 2.5 लाख लोग होंगे उस प्रदर्शन में, तो मुझे आशा है कि उससे पहले सरकार कोई फैसला करेगी और अगर सरकार फैसला नहीं करेगी तो आने वाले समय में पूरे देश के राज्य कर्मचारी, केंद्र सरकार के कर्मचारी, शिक्षक सब मिलकर के संयुक्त रूप से ऐसा आंदोलन करेंगे जिसकी कि कभी कोई कल्पना नहीं की। तो यह आंदोलन आगे बढ़ रहा है, सरकार भी निगोशिएशंस के लिए आगे बढ़ रही है। मुझे आशा है कि सरकार को समझ आए कि हम लोग तो सरकारी कर्मचारी है, हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। लेकिन एक बात निश्चित है कि हम अपने बुढ़ापे का जो सहारा है पेंशन उसको ज़्यादा नहीं होंगे और निश्चित तौर पर एक प्रयास होगा कि ये जो हमारी पेंशन गई है वो वापस आने का काम होगा। ये तो आप देखते रहिए, रेलवे कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। लेकिन रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है उसकी वजह भी ये भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, यानी यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वही लोग, अगर हम लोग नहीं होते तो खड़े खड़े रेल आज के लिए कभी बिक्री होती है। ये नहीं है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में वो देखती है, जो पहले कांग्रेस में थी वो भी इसको बेचना चाहती थी। मुलतान सिंह अहलूवालिया तो सबसे बड़ा बेचू आदमी था, उसने ये बात कही थी कि जो है वो सारी दुनिया की रेलें ही हाथ में चली गई तो भारतीय रेल क्यों नहीं जा सकती।
तो हमने उसको कहा था कि तुम कभी रेलवे पे चढ़े नहीं हो, तुमको मालूम नहीं है हमारे रेल पे जो 2.5 करोड़ लोग रोज यात्रा करते हैं वो आम आदमी है, वो हवाई जहाज पर यात्रा नहीं कर सकते, वो अपने लिए साधनों से यात्रा नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो मर्जी वो कहते रहे रेलवे को नीलगढ़ करना आसान नहीं है, वो करेंगे, बहुत पूरी ताकत से।